लाइव लेते हैं, वहां पे दो तस्वीरें मेरे पास आ रही है। सहयोगी के पास चलते मनोज्ञा लोहिवाल मेरे साथ हैं, जो प्रधानमंत्री का रोड शो कवर कर रही है, और साथ में अजय दुबे और पंकज झा भी जुड़े हुए हैं। मनोज्ञा, क्या देख पा रही हैं आप? व्हाट डू यू? मनोज्ञा, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त महामना की स्टैचू पर, महामना मदन मोहन मालवीय की स्टैचू पर पहुंचे, माल्यार्पण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें सीधे इस वक्त आप काशी से देख पा रहे हैं। पिछली बार भी यहां पहुंचे थे जब रोड शो किया था उन्होंने काशी में, हर बार यहां आते हैं चुनाव प्रचार के दौरान। और पंडित मदन मोहन मालवीय की इस स्टैचू पे, जो कि BHU के गेट के ठीक सामने स्थापित है, वहाँ पर आकर नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पिछली बार तस्वीरें दिन की थी, इस बार तस्वीरें शाम की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे काशी से लाइव हैं अपने इस रोड शो के बाद। उन्होंने आज रोड शो निकाला है, करीब 4 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था बनारस की सड़कों पे। बनारस उनका संसदीय क्षेत्र भी है, यहीं से वो चुनकर संसद तक पहुँचे हैं। आज अपने इन्हीं मतदाताओं और वोटरों के बीच में उनको नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की है, इसीलिए आप ललाट पर वो तिलक देख पा रहे हैं। उनके माथे पर जो चंदन का तिलक लगाया गया है, वो आपके सामने त्रिकूट का। मेरे सहयोगी मनोज्ञा वहां पर मौजूद है। मनोज्ञा के पास चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल सिग्नल कटा हुआ है। हाथ हिलाकर वेव करते हुए तमाम BJP के समर्थकों की ओर, जो उस रोड शो में शामिल हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज झा, आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है? पंकज, पंकज आप सुन पा रहे हैं? जी जी सुमित, आपकी आवाज आ रही है। आप जहां खड़े हैं वहां से क्या देख पा रहे हैं? पंकज, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं महामना की प्रतिमा के पास, अखिलेश यादव का रोड शो भी चल रहा है, आप क्या अपडेट दे सकते हैं? एक तरफ सुमित देखिए, जिस जहां मैं खड़ा हूं ये रथ यात्रा का चौराहा है, जहां पीछे अखिलेश यादव का रोड शो शुरू हो रहा है। जब एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सरदार पटेल की मूर्ति के पास उन्होंने जाकर मत्था टेका, माल्यार्पण किया, और फिर जाकर BHU के संस्थापक जो है पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ उनका रोड शो खत्म हो रहा है, तो अखिलेश का रोड शो शुरू होने वाला है। और देखिए, आज कई चीजें देखने को मिली। पहली बार हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भगवा टोपी में देखा। अखिलेश यादव की लाल रंग की टोपी, जिसको रेड अलर्ट कहा गया था, उसको लेकर यूपी के चुनाव में बड़ा घमासान हुआ। और मैं पिछले 5 साल, मतलब ठीक 5 साल पहले भी आपको लेकर चलने को चाहूंगा सुमित, जब इसी तरीके का एक ही दिन रोड शो हुआ था, तब अखिलेश यादव के रोड शो में उनके साथ राहुल गांधी भी साथ थे, और उसी दिन नरेंद्र मोदी जो PM हैं उनका भी रोड शो हुआ था। लेकिन ये जो कहा जाता आ रहा है ना कि रोड शो में भीड़ तो जुटती है, लेकिन नतीजे उसी के हिसाब से हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और 2017 के चुनावी नतीजों में हमने देखा कि रोड शो में भीड़ तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ जुटी, लेकिन जब वाराणसी के विधानसभा सीटों के नतीजे आए तो उस हिसाब से नतीजे नहीं आए। लेकिन चुनावी राजनीति में ये रोड शो एक मैसेज देने का काम होता है, शक्ति प्रदर्शन का होता है। अखिलेश यादव उन्हीं के टर्फ पर, यानी मोदी के गढ़ जो है एक तरीके से, उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो करके एक साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि इस बार यूपी का जो चुनाव है वो बिल्कुल 25-30 सालों में जो चुनाव था वो बदल गया है, वो बाइपोलर हो गया है, समाजवादी पार्टी बनाम BJP, और एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर कर दिख रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश है अखिलेश यादव की तरफ से। ABP News, आपको रखे आगे।